नमस्कार दोस्तों, तो रिसेंटली लावा की तरफ से 13,000 रुपए के आसपास एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। फोन का नाम है लावा स्टॉर्म 5G। पहले मैं बोल देता हूँ, इसका रिव्यू मेरे तरफ से 26 तारीख को जरूर आएगा। इसलिए इस वीडियो में देखेंगे, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था 13,500 रुपए पे लावा स्टॉर्म 5G लेना सही होगा या फिर अमेजोन पे 2,000 रुपए कैश डिस्काउंट देके वही ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मुझे मिल रहा है नार्जो 65G का हाईएस्ट वेरिएंट, क्या वो लेना सही होगा। इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त कवर आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों फोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो लावा स्टॉर्म 5G आपको टोटल दो कलर में मिलेगा, एक तो ये ब्लैक, दूसरा ये ग्रीन। उसी जगह पे जो नार्जो आपको टोटल दो कलर में मिलेगा, पर्पल और ग्रीन। वैसे इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कलर के मामले में मुझे इधर दोनों ही बहुत ही बढ़िया लगा। और अगर डिजाइन की बारे में बात करें, मुझे इधर दोनों ही डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा। वैसे आपको इसमें से किसका डिजाइन बेटर लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो नेक्स्ट, अगर हम दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, तो रिसेंट टाइम में लावा के हर एक फोन के जैसे इसके पीछे आपको मिलेगा टोटली ग्लास कवर। उसी जगह पे जो नार्जो 60X इसके पीछे आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट, मतलब जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक का बैक कवर। तो इसलिए इस बिल्ड क्वालिटी के मामले में नो डाउट लावा होगा बेटर। नेक्स्ट, अगर डायमेंशन के बारे में बात करें, लावा का थिकनेस है 8.9 मिलीमीटर और वेट है 214 ग्राम। उसी जगह पे जो नार्जो इसका थिकनेस है 7.9 मिलीमीटर और वेट है 190 ग्राम। इसका मतलब थिकनेस वेट इस मामले में नार्जो का डेफिनेटली बेटर, मतलब ये तो होना ही था क्योंकि नार्जो के पीछे आपको मिलेगा प्लास्टिक बैग इसलिए फोन है हल्का, लेकिन लावा के पीछे आपको मिलेगा ग्लास बैग इसलिए फोन है भारी। नेक्स्ट, अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें, लावा पे आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। लेकिन कौन से ब्रांड की तरफ से ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। उसी जगह पे नार्जो पे आपको मिलेगा 6.72 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और कौन से ब्रांड की तरफ से ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। लावा पे आपको कितने हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन नार्जो पे आपको मिलेगा 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। इसके अलावा लावा का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 580 nits, नार्जो का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 550 nits। तो इसका मतलब दोनों का जो डिस्प्ले वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी अगर हम सबसे बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले के बारे में बात करें उस मामले में लावा होगा स्लाइटली ज्यादा बेटर। नेक्स्ट, अगर दोनों की सीपीयू के बारे में बात करें, लावा पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर पे बनाए। नार्जो पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर पे बनाए। अब इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मॉडल नंबर के हिसाब से देख के लग रहा है कि जो नार्जो का जो डायमेंसिटी 6100 प्लस वो बेटर है 6080 के मुकाबले, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम से मैक्सिमम 5G स्पीड की बारे में बात करें उस मामले में डायमेंसिटी 6100 प्लस से बेटर, लेकिन उसके लिए अगर हम CPU स्पीड या फिर GPU क्वालिटी के बारे में बात करें उस मामले में 6080 होगा बेटर। तो इसलिए ओवरऑल अनटूटी के मामले में दोनों एक्जैक्टली सेम, लेकिन फिर भी अगर हमें बेटर क्वालिटी CPU चूज करना है तो उस मामले में लावा होगा बेटर। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, लावा पे आपको मिलेगा 50 और 8 का रियर कैमरा जिसके साथ डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। उसी जगह पे नार्जो पे आपको मिलेगा 50 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा जिसके साथ डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी जिसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। तो मतलब इधर आप देख ही सकते हैं लावा का जो कैमरा, मतलब रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, सेकेंडरी कैमरा टोटली सॉलिड सेंसर है। उसी जगह पे जो नार्जो का कैमरा वो थोड़ा सा वीक लगता है कम्पेयर टू लावा। तो इसलिए कैमरे के मामले में नो डाउट लावा इधर होगा बेटर। नेक्स्ट, अगर दोनों के वेरिएंट के बारे में बात करें, लावा का टोटल एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 8x128GB, नार्जो का आपको टोटल 2 वेरिएंट मिलेगा 4x128GB 6x128GB। दोनों पे आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट, मतलब जिसे हम कहते हैं डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। इसके अलावा दोनों पे LPDDR4 इसका रैम और UFS 2.2 क्वालिटी का स्टोरेज। इसका मतलब है रैम, रोम, स्टोरेज ये सब के मामले में लावा इधर है डेफिनेटली बेटर, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट में लावा आपको 2GB एक्स्ट्रा फिजिकल रैम दे रहा है कंपेयर टू नार्जो। तो इसके बाद दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, दोनों भी आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, साथ में 33W का चार्जर और दोनों का ही कनेक्टिविटी USB टाइप सी। इसका मतलब इस बैटरी चार्जर इस मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। ऑडियो की अगर बात करें, दोनों भी आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर जिसके साथ किस क्वालिटी का ऑडियो इफेक्ट मिलेगा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब इस ऑडियो डिपार्टमेंट में दोनों एग्जैक्टली सेम। पोर्ट्स की अगर बात करें, दोनों पे आपको मिलेगा 3.5mm जैक, साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब इस मामले में भी दोनों एग्जैक्टली सेम। और OS की अगर बात करें, दोनों पे आपको मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स,
लावा पे आपको मिलेगा 1 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट। नार्जो पे आपको मिलेगा 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट। इसका मतलब इधर बेटर क्वालिटी OS अपडेट साइकिल के मामले में नार्जो होगा बेटर। लेकिन ये चीज भी ध्यान में रखना, लावा का जो सॉफ्टवेयर वो एक्चुअली स्टॉक एंड्रॉइड है, तो इसलिए लावा के फोन में जो बग वो आने का चांस बाकी फोन के मुकाबले बहुत ही कम है, तो इसलिए इधर मोर और लेस दोनों ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट अगर 5G बैंड की बारे में बात करें, लावा पे आपको मिलेगा टोटल 8 5G बैंड जिसके अंदर N77 N78 दोनों ही अवेलेबल है। नार्जो पे आपको मिलेगा टोटल 9 5G बैंड जिसके अंदर N77 और N78 दोनों ही अवेलेबल है। इसका मतलब इस 5G कनेक्शन के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, ये जो लावा स्टॉर्म 5G एक ही वेरियंट पे लॉन्च हुआ है जिसका प्राइस है 13,500 रुपए, उसी जगह पे जो नार्जो 60X 5G अभी अमेजोन पे इसके ऊपर आपको मिलेगा 1,500 रुपए 2,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट। तो वो कूपन डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो 4 128GB उसका प्राइस है 11,500 रुपए और जो 6 128GB उसका प्राइस है 12,500 रुपए। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में दोनों फोन के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा बेटर, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर हम इस 12-13 हज़ार के प्राइस पॉइंट में नार्जो के साथ जाएंगे तो आपको टोटल 2 एडवांटेज मिलेगा, जो कि 2 ईयर तक का मेजर OS अपडेट और 1,000 रुपए सस्ता कम्पेयर टू लावा। लेकिन उसी जगह में अगर हम लावा के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रीमियम ग्लास बैक, बिगर डिस्प्ले, बेटर CPU, बेटर कैमरा सेटअप, 2GB एक्स्ट्रा फिजिकल रैम कम्पेयर टू नार्जो और टोटली स्टॉक एंड्रॉइड। तो मतलब देखिए वीडियो का आखिर में ये चीज कहना चाहूंगा, मुझे ये देख के बहुत ही बढ़िया लगा। एक टाइम में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लावा जैसा ब्रांड किसी दूसरे चाइनीज ब्रांड के साथ कॉम्पीट कर सकता है, लेकिन आप देख सकते ये जो लावा स्टॉर्म 5G जो लॉन्च हुआ है सेम प्राइस पर में जो पोको, रियलमी, मोटोरोला ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड है उसके साथ कॉम्पीट कर रहा है, कभी कभी इक्वल हो रहा है, ये पर नार्जो किस फोन के जैसा कुछ फोन को बीट भी कर रहा है स्पेसिफिकेशन के मामले में। तो मतलब मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका बजट आज के दिन में 12-13 हज़ार के आसपास और अगर आप सोच रहे कि लावा स्टॉर्म 5G लेंगे या फिर नार्जो 60X 5G लेंगे, तो आपको डेफिनेटली लावा स्टॉर्म 5G लेना चाहिए। और ये चीज भी ध्यान में रखना, लावा भी इंडिया का प्रोबेबली वन एंड ओनली ऐसा ब्रांड है जो कि आपको 1 साल तक का घर में सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको सर्विस सेंटर में विजिट करने की कोई जरूरत नहीं, सर्विस सेंटर से कोई ना कोई मैकेनिक आपके घर में आके आपका रिपेयर करके जाएगा। ये एक्चुअली अभी करेंटली लावा आपने कोई भी फोन में प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि आपको ये दोनों फोन के अंदर कौन सा सबसे बेटर लगा, इसके बारे में मुझे कॉन्सेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।